सर्वेभ्य नमो नमः। एतस्मिन् चलचित्रे अहं वदिष्यामि केन प्रकारेण अहं चूर्णकेन एका भित्तिका निर्मितवान्। सभी को वैदिक अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने एक दीवार बनाई चूने का प्रयोग करते हुए। सबसे पहले उसकी फाउंडेशन डाली जाती है। तो मैं जो मकान बना रहा हूँ ये 70 वर्ष पुराना है और इसमें एक तल यानी एक मंजिल नीचे दबी हुई है, अतः मैंने फाउंडेशन नहीं बनाई। इसमें पहले से 9 इंची दीवार है नीचे, जो कि लगभग 12-13 फुट नीचे गहरी दबी हुई है। उसके ऊपर मैंने ये सोल्जर बोंड में, दोनों तरफ सोल्जर बोंड में ये लगा के ईंटें, और उनके बीच में 3 इंच का गैप छोड़ दिया, और उस 3 इंच के गैप में 2 सरिये डाले गए, और फिर RCC का उसमें मैंने प्रयोग किया, उसमें कंक्रीट डाल दिया। ऐसा करने पर एक प्लिंथ बीम तैयार हो जाएगा, और ये जो प्लिंथ बीम है इसमें जो RCC का यूज़ किया है, चौड़ाई में वो 3 इंच है और गहराई में ये 9 इंच है, तो ये काफ़ी दृढ़ हो जाता है, क्योंकि मजबूती जो है वो इसमें एक RCC को का फ्लैट बीम डालने के बजाय यदि हम एक खड़ा बीम डालें तो वो अधिक दृढ़ होता है। सभी ईंटों को बहुत ही अच्छे तरीके से भिगोकर और तब लगाया गया है। चाहे सीमेंट में प्रयोग करें या फिर चूने में, ईंटों को कम से कम 15 मिनट तक पानी में अच्छे से डुबो के रखना चाहिए। 15 मिनट से 20 मिनट तक डुबो सकते हैं। ऐसे ही ऊपर से पानी छिड़क के और तब प्रयोग करेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी नहीं, शीघ्र ही सूख जाएगी और सीमेंट या चूना सही से मजबूत नहीं हो पाएगा। 10 mm का सरिया स्टील बार मैंने यूज़ किया है। इसमें 2 सरिये डाले गए हैं। कंक्रीट को अच्छे तरीके से किसी यंत्र की सहायता से, किसी सरिये से या फिर ट्रोवल से ही दबा के और उसको भर दिया जाता है, ताकि कहीं भी गैप ना रहे, हवा ना रहे। ये कंक्रीट का मसाला मैंने सीमेंट में बनाया है। सीमेंट का मिनिमम यूज़ मैंने किया, और इस ये जो बीम बनाया उसके ऊपर फिर जो पहला सार मैंने लगाया वो भी सीमेंट में ही 4:1 का मोर्टार यूज़ करते हुए उसको मैंने बनाया, और मैं इसमें यूज़ करूँगा फ्लेमिश बोंड। कई स्थानों पर बताया जाता है कि इंग्लिश बोंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, परंतु मेरा मानना यह है कि फ्लेमिश बोंड ही सर्वोत्तम है। इसमें दरार आने की संभावना न्यूनतम होती है। ये एक सार लगने के बाद प्लिंथ बीम तैयार हो जाता है। जो ईंटें मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये पुराने समय की हैं, लगभग 60-65 वर्ष पुरानी ईंटें हैं, और पुराने समय में बहुत अच्छी पकाई होती थी, बड़ी अच्छी क्वालिटी की ये ईंटें हैं। इनको आपस में भिड़ाकर बजाने पे एकदम लोहे जैसी टन टन की सॉलिड आवाज़ आती है। अच्छी ईंट की ये पहचान होती है, उनको बजाकर देख लेना चाहिए। एक मंजिल के लिए 5 फुट और 2 मंजिल के लिए 10 फुट गहरी आपको फाउंडेशन खोद लेनी चाहिए, चूने में यदि आपको बनाना है तो। उसके बाद मैंने लाइम मोर्टार तैयार किया, और लाइम मोर्टार पे अलग से वीडियो है, वो आप देख लीजिए यदि इस विषय में कोई संशय है तो। और लाइम मोर्टार को बिछा कर उसके बाद सेम वही फ्लेमिश बोंड में ईंटों को लगाया गया। जैसा कि मैं समय समय पर बताता आ रहा हूँ कि हाइब्रिड बनाना भी ठीक है आज के समय से, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और आपका स्थान भी बच जाता है। हाइब्रिड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम RCC का मिनिमम यूज़ करें, प्लिंथ बीम, पिलर्स और टाई बीम बनाने में, और बाकी का जो स्थान है शेष वहाँ पर हम लाइम मोर्टार में ईंटों को भर दें, फ्लेमिश बोंड में या इंग्लिश बोंड में, जो भी आपको पसंद हो। यदि आपको 2 मंजिल जाना है तो आप 14 इंची दीवार कर सकते हैं, 9 इंची भी चल जाएगी यदि आपने RCC के बीम और पिलर्स का यूज़ किया है तो।
जो लाइम मोर्टार मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए, मैंने 14 दिन पहले ही इसको क्विक लाइम को डुबो दिया था। उसमें मैंने ऐड किया क्रशर, जिसको स्टोन डस्ट भी बोलते हैं, यमुना रेत या फिर रिवर सैंड भी हम यूज़ कर सकते हैं मोर्टार को बनाने के लिए। सबसे अच्छा होता है, बेस्ट नहीं, सबसे अच्छा वो होता है जो आपको लोकल एरिया में उपलब्ध हो, वही श्रेष्ठ होता है। जैसे जो नदी के किनारे रहते हैं वहाँ पर उनको यमुना रेत या फिर नदी का रेत यूज़ करना चाहिए मोर्टार बनाने के लिए। राजस्थान में जो रहते हैं उनको अरावली हिल से नेचुरली बीदर होके जो बनता है, बीदरिंग होके, वो बदरपुर यूज़ करना चाहिए। आज के समय जिसको देखो हर कोई कंक्रीट यूज़ कर रहा है, आरसीसी के पिलर्स, आरसीसी का की छत चाहिए, उनको स्लैब चाहिए, सब कुछ आरसीसी में चाहिए। तो उनको ये नहीं पता कि उस कंक्रीट को बनाने के लिए कितनी बर्बादी की गई है, अरावली को कितना ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, बस डायनामाइट लगा के, छेद करके, पत्थर में ड्रिल करके उसमें डायनामाइट भर के उसमें ब्लास्ट कर देते हैं। एक ऐसा इग्नियस रॉक जिसको हम कार्व करके, साबुत पूरा का पूरा काट के निकाल के, और उसके बड़े बड़े स्लैब्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं भवन को बनाने के लिए, और वो स्लैब्स 1,000 वर्ष, 2,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक भी कहीं नहीं जाने वाले। वो यूज़ करने के बजाय हम उसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, उसके बाद उनको केमिकल बॉन्ड से, सीमेंट से चिपकाते हैं आपस में, बीच में से रेड डाल के। वो कितने कितने वर्षों तक वो चलेगा? वो 50 वर्षों से अधिक नहीं चलने वाला, क्योंकि वो केमिकल बॉन्ड्स धीरे धीरे टूट जाते हैं। और अब की ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वो बीच में लटके हैं जो कंक्रीट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जबकि जो एंशियंट टेक्नोलॉजी है उसमें ब्रिक्स को या स्टोन को इस तरह से लगाया जाता है कि यदि हम मोर्टार यूज़ ना भी करें तो भी वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। जैसे कि एक आर्च को बनाने में, या फिर एक डोम बनाने में, या फिर एक फ्लैट डोम की छत बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसमें वो फिज़िक्स के नियमों के अनुसार अरेंज कर दिया जाता है ईंटों को या फिर स्टोन्स को, और अंत में एक की स्टोन ठोक दिया जाता है। वो की स्टोन जब तक वहाँ पर फिक्स रहेगा तब तक वो आर्च या फिर वो डोम या वो रूफ वहीं की वहीं रहती है, और उसको खोलना है तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको उसको खोलना पड़ेगा, जबकि ग्रेविटेशनल पुल उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये सबसे स्टेबल कंस्ट्रक्शन होती है। आप किसी भी प्राचीन भवन, दुर्ग अथवा किसी हवेली को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लाइम मोर्टार में ही बनी है, और 500 वर्ष हो गए, 1,000 वर्ष हो गए, 1,000 हो गए वर्ष, और वो अब भी वैसी की वैसी है। उसका जो लाइम मोर्टार है वो वैसा का वैसा है, जबकि सीमेंट की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी एज 50 से अधिक बड़ी कठिनाई से होती है, 50 आते आते ही वो टूटने लगती है। आरसीसी के जो पिलर्स यूज़ करते हैं वो झड़ने लगते हैं 8-10 साल में ही, वो शेड ऑफ होने लगता है, रिप अपार्ट होने लगता है धीरे धीरे, और उसके अंदर के सरिये दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसलिए देखिए, मैंने जो आरसीसी के बीम्स और पिलर्स यूज़ करे हैं वो कुछ इस तरह से कि दोनों तरफ उसके मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे ईंटे हैं, और केवल बीच में एक नाली बनाई गई है चैनल, उसके अंदर सरिया डाल के उसमें मैंने वो कंक्रीट भरा है। और ऐसे ही जो पिलर आप इस कोने पे देख पा रहे हो, इस पिलर में भी मैंने बस 3 बाई 3 इंच का स्थान छोड़ा है, उसमें एक सरिया 4 सूत का 12 mm का खड़ा किया, और उसके अंदर कंक्रीट को मैं भर दूंगा। इससे लाभ ये होगा कि ईंट उसको घेर के रख रही है, तो एक तो वो खुलेगा नहीं 50 साल बाद, दूसरी बात ये है कि ये नमी को बरकरार रखेंगी, ये ईंटें देर तक, लंबे समय तक नमी बनाए रखेंगी, जिसके कारण अभी जो ये इसमें आरसीसी का कंक्रीट भरा जाएगा लंबे समय तक ये जब नमी में रहेगा तो अधिक मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से ये दीवार तैयार हो गई है।